नमस्कार डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और शालू आप भी स्वागत कर दें। बिल्कुल नमस्कार, अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शालू, सुबह की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए और विचारों से होनी चाहिए खासतौर से, तो लेते हैं आज का विचार। आज के विचार में भारत रत्न, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का विचार है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। बिल्कुल, और इतिहास में आज का दिन खास रहा है। आज ही के दिन मुंबई से गोवा की फ्लाइट किसी महिला पायलट ने सबसे पहले शुरू की थी, ये भारत के लिए उपलब्धि रही है कि, और ये बहुत पुरानी बात है, वर्ष 1986 की बात है। आज ही के दिन 1947 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। 1999 में हॉलैंड में पहली बार महिलाओं को मत का अधिकार मिला था। और ख़ास व्यक्ति एक रहे हैं हमारे भारत की शिक्षा से जुड़े हुए, डॉक्टर भगवान दास जी। भगवान दास जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापकों में से प्रमुख रहे हैं और उनको भारत रत्न 1955 में दिया गया था। 1958 में आज ही के दिन उनका देहावसान हुआ था। तो ये है इतिहास की बात। इस पखवाड़े भारत में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी शालू आप दें। और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो विशिष्ट आयोजन है, बहुत सारे ऐसे विशिष्ट दिवस हैं जो हमारे देश में मनाए जा रहे हैं, और सबसे पहला और महत्वपूर्ण जिसको आज प्राथमिकता के रूप में देखा है वो है स्वच्छता। तो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। और इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं हमारी राजभाषा हिंदी की। हिंदी कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, किस तरह की इसकी पहचान अलग बन चुकी है, किस तरह से पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदी का अपना एक मान बढ़ रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हिंदी पखवाड़ा जो है वो मनाया जा रहा है जो कि 14 सितंबर से 27 सितंबर तक मनाया जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से हम अलग अलग दिनों को आज़ाद कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण रहा है वहाँ पर स्वच्छता। जी, स्वच्छता की आपने महत्वपूर्ण बात की और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 15 अगस्त के दिन भी कहा था कि जन भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है और दिस इज अ नेशनल प्रायोरिटी। और स्वच्छता में हम लोग कहते हैं कि कचरा बहुत है। जी, कचरा करता कौन है? आप और हम भी तो करते हैं ना। तो हमारे स्वभाव में अगर स्वच्छता होगी, संस्कार में अगर स्वच्छता होगी, जो कि इस वर्ष की थीम भी है, तो कचरा फैलेगा भी नहीं और हम कचरा उठाने की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही एक और जो हम देख रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। जी, और वो भी इसी मिशन से जुड़ा, इसी मिशन से जुड़ा हुआ है। पूरे देश में सेव एनवायरनमेंट क्लाइमेट समिट्स हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा देश है वो भी अपनी जो भागीदारी है वो निभाने में लगा हुआ है और माँ के साथ इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जुड़ाव जो है अपने आप ही प्रकृति से हमारा है, और जब माँ का नाम आता है तो स्वतः ही वो जुड़ाव आ जाता है। बिल्कुल, और हम जब दोहन की बात करते तो पेड़ काटने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। तो जब भावनात्मक संबंध हमारा, जो कि इतिहास में रहा है, हम पेड़ों को पूजते रहे हैं, तो जब ये संबंध फिर से स्थापित होगा तो निश्चित तौर पे एनवायरमेंटल एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में भी इसमें योगदान मिलेगा। आप और हम जो बातचीत कर रहे हैं, जो एक माध्यम है, आज उस माध्यम के पुरोधा उनका हम स्वागत करने वाले हैं। राजस्थान के मीडिया जर्नलिज्म कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की बात करें या कहें उसकी शिक्षा की हम बात करें खासतौर से, उसके पुरोधा है प्रोफेसर संजीव भानव साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपका कंट्रीब्यूशन जो है पूरे विश्व में पहुंचा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से मीडिया फील्ड में ऐसे लोग मिलते हैं जहां पर आपके द्वारा रची गई किताबें पढ़ी पढ़ाई जाती हैं या कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे जुड़े हुए रहे? अलबेलो राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, तो आपके दृष्टि में अलबेलो राजस्थान के क्या मायने हैं? ऐसा है पुनीत जी, सबसे पहले मैं तो DD राजस्थान के जो अधिकारी हैं उनकी जो पूरी टीम है उन्हें बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने सुंदर नाम रखे हैं विभिन्न कार्यक्रमों के, अलबेलो राजस्थान। और जो आपने मोंटाज देखा था अभी इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले, उसी में कितनी थ्रिल थी। कहीं लोक वाद्य बज रहे हैं, कहीं संगीत की स्वर लहरियाँ, उधर नृत्य, राजस्थान के केलों का शिल्प। तो राजस्थान का जो वैविध्य है वो ही उसमें एक तरह से झलक रहा था। ऐसा ही एक कार्यक्रम धरती धोरारी, तो ये जो नाम है ये कहीं ना कहीं राजस्थान का वैविध्य, वैसे तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उस देश के वासी हैं जिस देश में सांस्कृतिक वैविध्य बहुत अधिक है, दुनिया में शायद कहीं नहीं, आप कहीं भी चले जाएं
इस देश में संस्कृति को लेके, समाज को लेके, परंपराओं को लेके इतना वैविध्य हम देखते हैं। तो राजस्थान, अलवर और राजस्थान से मेरा अभिप्राय यही है कि ये ऐसा प्रदेश है जहाँ एक और यहाँ के किले हैं जो राजस्थान के शौर्य और पराक्रम की गाथा के प्रतीक हैं, एक और वो लोक साहित्य, लोक गाथाएं, लोक परंपराएं हैं जो हमारी उस विरासत को बताती हैं, एक और वो साहित्य है चाहे वो हिंदी का है चाहे राजस्थानी का है जिसने यहाँ की लोगों की धड़कन को महसूस किया है, यहाँ की संवेदनाओं को महसूस किया है। आपने अभी पर्यावरण की बात आप शुरू में कर रहे थे, मेरे ख्याल दुनिया का ये एकमात्र उदाहरण है जब हमारे यहाँ जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में अमृता देवी ने, जब तत्कालीन महाराजा जोधपुर के, उन्होंने अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियां कटाने का आदेश दिया, अमृता देवी जो पौधों के साथ, पेड़ों के साथ संवाद करती थी, बात करती थी और उसको किस तरह से उन्होंने पाला, और जब सैनिक वहां आ गए उन्होंने आदेश दिया कि हम इनको काटेंगे, उसने कहा कि पेड़ काटने से पहले मेरी गर्दन काट दीजिए, और उसने बिल्कुल उन पेड़ों को हक कर लिया और उसको कटने नहीं दिया, तो सैनिकों ने उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद देखिए तीन बेटियां वो भी आ गई वहाँ और अपनी माँ का अनुसरण करते हुए बलिदान दे दिया। उसके बाद तो ये हवा की तरह बात फैल गई, आसपास के गांवों के बहुत सारे लोग आ गए और 363 व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सिर कटवा दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया। राजा को पश्चाताप हुआ और उन्होंने फिर आदेश दिया कि इस पूरे क्षेत्र में आगे से ना शिकार होगा ना पेड़ कटेंगे। ऐसा हमारा राजस्थान है जिसमें जाने कितनी गाथाएँ आप घंटों बात कर सकते हैं। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत के और राजस्थान के निवासी हैं, यहाँ के नागरिक। भावनात्मक तौर पर मुझे लग रहा है इस वर्ष जो हम एक पेड़ माँ के नाम की थीम रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अमृता देवी जी के योगदान, उनका जो बलिदान है उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की हमने बात कही, लेकिन राजस्थान जो है मूलतः है जाना जाता है संस्कृति के लिए, लोक संगीत के लिए, कलर्स के लिए, उसके विषय में आप क्या राय रखते हैं? जो लोक संगीत है, वस्तुतः क्या है, जो लोक गाथाएं, लोक संगीत है ना, ये परंपरा से चला हुआ आता है। इसका ये पता नहीं पड़ता है कि किसने ये गीत लिखे, किसने कहानियां लिखी। तो ये जो लोक परंपराओं से चीज़ें निकलती हैं और उसके पीछे जो मूल भाव है कि जब हम, जैसे हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन है, मतलब हमारा देश तो त्योहारों का देश है, घर में जन्म है, मरण है, कोई फेस्टिवल्स हैं, अलग अलग तरह के संस्कार हैं, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो गांव की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, है ना, चाहे वो खेती भी कर रहे हैं, तो वो गाना बजाना शुरू करते हैं। अब आप देखिए इसमें मनोरंजन का भाव भी है तो स्वास्थ्य का लाभ भी है। जब आप कोई, अभी जैसा आप देख रहे थे कि किस तरह से वो उन वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं, जी जी, तो उसमें उनकी सांस का है, लंग्स की व्यायाम होती है, हाँ लंग्स का है, मस्तिष्क के साथ उसको जोड़ करके जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मनोरंजन के साथ साथ स्वास्थ्य की बात और फिर हमारी जो परंपराएं हैं, क्योंकि उस लोक संगीत में कहीं ना कहीं उस देश की, उस प्रदेश की, उस क्षेत्र विशेष की जनमानस की धड़कन सुनाई देती है हमें, जी, है ना, पूरी पर हमारे जो सारे मूल्य हैं वो उसमें हैं। मतलब आप देखिए, मुझे तो अब बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ सालों पहले जब शादी हुई थी, कुछ दशकों पहले, तो कितनी तरह के, घर में दुल्हन आती है तो अलग तरह का संगीत है, वो जब महिलाएं गाँव, ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाले हैं हम लोग, तो किस तरह से वो गा रही हैं, है ना, तो अलग अलग समय, पहला पैर आगे बढ़ा तब क्या है, पहला फेरा हुआ तब किस तरह का गीत है। और हमारे यहाँ तो कई ऐसे शोधार्थी हुए हैं जिन्होंने इस लोक परंपराओं को संजो करके रखा है, और जो हमारी स्टेट एकेडमीज हैं वो इस दिशा में काम कर रही हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो राजस्थान लोक संस्कृति की दृष्टि से अद्भुत है। और सर हम देखें कि आज हमारे लोकगीत है, खासतौर से राजस्थान के लोकगीतों की बात की जाए, फोक म्यूज़िक की बात की जाए, तो इन्होंने एक अलग मकाम भी हासिल कर लिया है। हम फिल्मी संगीतों में अगर जिक्र देखते हैं तो हमारे राजस्थान के लोकगीतों का ज़रूर से जिक्र आता है। हम विश्व का म्यूज़िक सुनते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान का जो म्यूज़िक है, जो बीट्स हैं, वो सुनाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो बदलाव है सकारात्मक है या ये हमें अलग लेवल पर लेकर जा रहा है? बिल्कुल सकारात्मक है। देखिए जब फिल्में हैं, वो बॉलीवुड है चाहे हॉलीवुड है, उन्होंने देखा राजस्थान में कितनी संभावनाएं हैं। अभी तो वर्तमान सरकार ने अनाउंस भी किया है, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी, कि हम यहाँ फिल्म सिटी बनाएंगे, अभी कुछ दिन पहले की खबर है। तो इसके पीछे भाव यह है कि जब फिल्मकार यहाँ आता है और यहाँ के संगीत को जिस तरह से वो प्रदर्शित करता है, यहाँ के जो पर्यटक के क्षेत्र हैं पर्यटन के, उनको जिस तरह से दिखाता है, तो इस संस्कृति की सुर भी पूरी दुनिया में फैलती है और निश्चित रूप से लोग आकृष्ट होंगे। विजयदान देथा का नाम आपने सुना होगा, जी जी। उनकी कहानी पर तो वो फिल्म बनी थी वो। तो अब देखिए ना, यहाँ की जो कथाएं हैं उनमें कितना पोटेंशियल है। अब धीरे धीरे फिल्मकार या जो रचनाकार हैं वो इस ओर आकृष्ट हो रहे हैं। देथा जी का जो कंट्रीब्यूशन अद्भुत है, उन्होंने तो उन सारी लोक कथाओं का संग्रह किया, बातारी फुलवारी जो उनकी पुस्तक है, तो इसलिए
मैं तो ये पूरी तरह से मानता हूँ कि ये जो प्रयास हो रहे हैं फिल्मों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, और जो हमारे और माध्यम हैं, इवन आपका दूरदर्शन जी, हमारे जी, यहाँ जी. का जो है, इसने कितना काम किया है यहाँ की संस्कृति और कला को आगे बढ़ाने के लिए. दूरदर्शन की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के ही आजकल OTT प्लेटफॉर्म आने से बहुत सारे थ्रिलिंग सीरियल्स की लोगों को बड़ा चार आने लगा है कि हम कहते हैं कि फॉरेन के ऑथर्स ने जो काम किया है वो बहुत रोमांच देता है. ऐसी बात नहीं है. राजस्थान के देवकी नंदन खत्री जी का जो चंद्रकांता था उस पर कुछ बात कहना चाहेंगे. देखिए, उनका जो उपन्यास था चंद्रकांता संतति, क्या बात करना है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है अपने विद्यार्थी जीवन में, उस समय लोगों ने हिंदी सीखी थी उस उपन्यास को पढ़ने के लिए. देखिए, हर दौर का अपना एक मतलब प्रवृत्ति होती है ना. वो जो दौर था उसमें तिलिस्मी और इस तरह के उपन्यास लिखे जाते थे. फिल्मों में भी देखते हैं हम, जैसे एक फिल्म कोई हिट हुई तो फिर उसी तरह की फिल्में शुरू हो जाएंगी. तो वो जो दौर था उस समय खत्री जी ने ये प्रयास किया कि इस तरह के उपन्यासों से लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित किया जाए या एक उनके अंदर पैशन पैदा किया जाए. तो वो उनकी कृति बहुत चर्चित हुई और बाद में जब फिल्म या सीरियल इस पर बनने लग गए तो फिर तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया. ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब इन कृतियों के ऊपर हमारे दूरदर्शन ने धारावाहिक बनाए और फिल्में बनी तो ये जनमानस इसकी ओर लोकप्रिय हुआ और फिर उनकी जो मूल कृति थी उसको पढ़ने के लिए वो प्रेरित हुआ जी. तो निश्चित रूप से राजस्थान की धरती ने ऐसे साहित्यकार दिए हैं और प्राचीन काल से, ये तो आप आज की बात कर रहे हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन मैं तो पुरानी बात भी करूं, है ना, जो हमारा जो आदिकाल है जिसको हम कहते हैं, उस समय भी जो साहित्यकार हुए थे, है ना, उन्होंने भी अद्भुत लेखन किया. ढोला मारू की जैसे कहानी है, बिल्कुल, है ना, किस तरह से वो राजकुमार शादी कर लेता है और फिर वो पत्नी बहुत अर्ली एज में, 3 साल की थी शायद वो, जब वो शादी करता है, फिर वो अपने घर रह गई, जब जाने का समय आया तो राजा भूल गया और वो उसके जो दूसरी पत्नी थी उसने संदेश नहीं पहुंचने दिए, फिर कैसे वो गाने बजाने वाला आकर के राजा को बताता है, वो पूरी एक कथा चलती है. ढोला मारू के ऊपर कितनी शोध हमारे यहाँ हुई है, जो हमारे साहित्य में लैला मजनू और रोमियो जूलियट और वो जो कहानियाँ हैं उसकी टक्कर में हमारे यहाँ ढोला मारू. जब लोकगीतों की बात आती है तो हमारे तो पेंटिंग्स भी ऐसे रही, हम फड़ पेंटिंग की बात करते तो पूरा पूरा चित्रण जो है हम उसमें देख सकते हैं. फड़ की बात की, देवताओं की गाथाओं को कपड़े के चित्रों पर मतलब प्रकट किया जा रहा है. आप सोचिए कितने महान कलाकार वो होंगे. बिल्कुल, उनके पास था क्या उस समय, आज जैसी तकनीक नहीं थी, लेकिन वो कलर आज भी नहीं सूखते हैं और आज वो फैशन बन चुके हैं. हम वस्त्रों में देखते हैं उनको, हम देखते हैं पेंटिंग्स में, वही है ना, पुराने दौर में जाते हैं जी. आप कई बार देखते हैं, आपकी एक समय था जब फटे हुए कपड़े बेचारे जो गरीब हैं, लेकिन अब हम जानबूझ के कपड़ों को फाड़ने लगे हैं. अपने अपने हिसाब से आते हैं, इसमें कुछ प्रचलित हो जाते हैं, कुछ समय के प्रभाव में छूट जाते हैं. तो जिनमें स्थायित्व होता है, कहीं कोई सुरुचिपूर्ण वो चीजें होती हैं तो वो चल जाती है ना, कहीं कलात्मकता है, प्रयोगशीलता है, वो चीजें चल जाती हैं. सर ने पुनीत एक शब्द बोला स्थायित्व. जब हम स्थायित्व की बात करते हैं तो भाषा अपने आप में उसमें एक बहुत ही एक ऐसा नाम होता है, एक ऐसा उसका टेंजेंट होता है जो स्थायी भी होता है. तो अगर हम हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी भाषा का जो स्थापत्य, हिंदी भाषा का जो वर्चस्व है वो अपने आप में अलग पहचान रखता है. और अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी का एक अलग वैभव देखने को मिल रहा है. मोदी जाके हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदी में बात करते हैं और एक तरह का हमें गर्व महसूस होता है हिंदी बोलने में जी. नहीं, और अभी अभी आपने फिल्मों की जब बात छेड़ी थी तो अब देखते हैं कि विदेशी फिल्में या दूसरे मुल्क की जो फिल्में हैं वो भी हिंदी भाषा में जब डब होती हैं तभी ज़्यादा पॉपुलर होती है. हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो सर्कुलेशन हिंदी भाषा के न्यूज़पेपर्स का ज़्यादा होता है. अभी मैं आप देख रहा था कलर, आपके कलर मेरे पास में भी कई सारे कलर हैं, सर ने भी कई कलर्स पहन रखे हैं. राजस्थान की जब बात आती है तो लोग बाग ये समझते हैं कि पूरा राजस्थान गर्मी से भरा हुआ है और जो है सफ़ेद रंग ही पहनना चाहिए गर्मी में, लेकिन ऐसा नहीं है. पश्चिमी राजस्थान में जब हम जाते हैं तो हेड गियर यानी कि हमारा साफा जो सम्मान का भी प्रतीक है उसमें कितने तरह के रंगे, यानी हर 100 किलोमीटर पर पगड़ी बदलती है, इसके पीछे क्या कहानी? देखिए, साफा तो जैसा आपने कहा हमारे सम्मान और गरिमा का प्रतीक है. अब तो देखिए हम लोग चूँकि विश्वविद्यालय शिक्षा से आए हैं, एक समय था जब ब्रिटिश परंपरा से जो वो गाउन पहने जाते थे काले नीले पीले जी, जी. सब खत्म कर दिए गए हमारे यहाँ. हाँ, अब वो सफ़ेद कोट और ये और सिर पे साफा. अभी हाल ही में मैं एक विश्वविद्यालय के उसमें डीन के रूप में मैंने पार्टिसिपेट किया था कन्वोकेशन में, जिसमें राज्यपाल महोदय आए थे, तो वहाँ बाकायदा साफा. और जब साफा पहनते हैं तो स्वयं एक गर्व की अनुभूति है अपने आप, क्योंकि वो जो हमारा परंपरागत वेशभूषा है वो आपका खुद का है. हाँ, इसलिए उसके साथ अपने आप जुड़ाव होता है, अनायास जुड़ाव होता है. विवाह समारोह में देखिए आप. हाँ. जी, तो वो जब साफा बांध लेते हैं एक अजीब तरह की अलग खुशी मतलब, का अकड़ तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक अलग तरह का गौरव सम्मान महसूस, गौरव महसूस होता है ना. वो जो पगड़ी है, साफा है, पगड़ी तो हमारे मेवाड़ की तो पगड़ी बहुत ज्यादा मतलब सम्मान देने में भी बिल्कुल बिल्कुल है ना.
और बल्कि जो बहुत ही इस तरह के व्यक्तित्व हैं उनके निधन पर भी उनको पगड़ी देना, सिर पे दे करके और फिर उनका वो हमारे रस्म का नाम ही है पगड़ी की रस्म। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये इसलिए साफ़ार पगड़ी, और इसके पीछे वैज्ञानिक भाव भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती थी, देखिए आजकल आप तरह तरह की हैट लगाते हैं, ये करते हैं, लेकिन वो पगड़ी आपको सूरत की जो तीखी गर्मी आ रही है उससे भी बचाती है। तो एक तरफ गरिमा गौरव की प्रतीक है, दूसरी ओर आपके ये जो बाह्य जो दबाव है मौसम के और पर्यावरण के, उससे भी आपको बचाती है। तो कितनी महान संस्कृति हमारी, कलर्स हमें दूर से आइडेंटिफाई कर लेता है कि कोई व्यक्ति वहाँ रेगिस्तान में दूर जा रहा है, तो अगर मान लीजिए बेहोश हो जाए तो कम से कम आप उस रंग से उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। चलो, फिल्में आपने बहुत देखी, मुझे लगता है राजस्थान की कैनवास जो है ना, चाहे जैसलमेर का ले लें, जोधपुर का ले लें, आजकल तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, लोग परमानेंट मेमोरीज के लिए वहाँ आते हैं, उदयपुर के लिए ले लें, राजस्थान जयपुर के आमेर की हम बात करें, तो तमाम फिल्मों में वो शूट किया गया है, इसका इस्तेमाल किया गया, तो बहुत रिच कैनवास है। और अब तो विदेशी पर्यटक, विदेशी सेलिब्रिटीज, हॉलीवुड स्टार्स तक सभी लोग आते हैं, राजस्थान ही पहली उनकी पसंद होती है। अच्छा, फिल्म में क्या साहब, अब तो सोशल मीडिया इतना हो गया है, केवल एक माध्यम नहीं है, जैसा आपने कहा विदेशी पर्यटक आते हैं तो वो राजस्थान के अलग अलग परिदृश्य की फोटो खींचते हैं, फिर को सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, न जाने कितनी तरह के हैं, उन सब पर वो कहीं ना कहीं डालते हैं। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें भौगोलिक दूरियां नहीं है, आपकी भाषा, आपके प्रतीक को जानने वाला दुनिया के किसी कोने में है, वहां तक आपकी रीच है। तो इसके माध्यम से भी, और आजकल तो तकनीक इतनी बढ़िया हो गई है कि वो पर्यटक आते हैं, कोई रील बना रहा है, कोई छोटे छोटे वीडियोस बना रहा है, कोई ट्रेवलॉग लिख रहा है। मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूं मेरे, जो रिमोट एरिया में जाकर के ट्रेवलॉग लिख रहे हैं और फिर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उसको कर रहे हैं। तो जब आप ट्रेवल में आपका इंटरेस्ट है, तो जब आप उनको देखना शुरू करेंगे तो फिर आप भी वहाँ कोशिश करेंगे, तो टूरिज्म अनायास बढ़ता है। तो सोशल मीडिया, फिल्म, ये सारे माध्यम जो हैं। आर्किटेक्चर ऑफ फोर्ट्स इन राजस्थान, वो उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या अलग बात है, क्या खास बात है? वो जो दौर था पुराना, जो हमारी पूरी संस्कृति थी, उसमें बहुत आक्रमण हुए इस देश पर। पिछले आज़ादी से पहले की बात करूँ तो कितने आक्रमणों को हमने झेला है, अंग्रेज तो बहुत बाद में आए, उसके पहले भी हमारे देश पे अलग अलग, और यहाँ के राजा जो लोग थे वो भी आपस में लड़ते थे, ऐसा नहीं है कि विदेशी आक्रमण, तो रियासतें अलग अलग वहाँ भी। तो सबसे बड़ी उनकी चुनौती थी सुरक्षा की। तो अब आप किले में जाइए, आमेर का किला जाएंगे तो किले में देखेंगे आप किस तरह से पूरी की पूरी चार दीवारी, और वहाँ पर बाकायदा उन्होंने उस दीवार पर वो बना रखे हैं छेद बड़े बड़े, जहाँ से वो तोपें और उनके जो सैनिक होते थे वहाँ से वो प्रहार करते थे, देखते थे। उनके दरवाजों को देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी कीले निकली हुई हैं, ताकि हाथी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करे तो वो कीलों के कारण आगे नहीं बढ़ सके। तो उनके अपने सुरक्षा का वस्तु, एक तो ध्यान दिया गया सुरक्षा पर, चाहे आमेर का किला है, चित्तौड़ का किला है, कुंभलगढ़ देखिए आप, एक तरह से वो चीन की दीवार जिसको कहते हैं, वैसे कितनी बड़ी दीवार कुंभलगढ़ की है ना, शायद कुंभलगढ़ किला कभी पराजित नहीं हुआ, जैसा मुझे अजय किला है, अजय किला है वो। इसी तरह से आप जोधपुर का मेहरानगढ़ किला देखिए आप। तो ये जो किले हैं, ये हमारे राजस्थान के उस शौर्य पराक्रम के प्रतीक हैं। अच्छा, इन किलों की विशेषता क्या है, पानी का संरक्षण कैसे होगा, जयगढ़ जाके देखिए आप, आमेर के आगे वहाँ किस तरह से वो कुआं बना रखा है, जहाँ लंबे समय तक पानी को रख सकते थे। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ गई कि बाहर शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, ना पानी की कमी, ना अनाज की कमी, वर्षों तक काम चल रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था थी। फिर जैसा आपने कहा कि राजस्थान का मौसम बड़ा विचित्र है, कभी तेज गर्मी है, कभी बरसात है, कभी क्या है, अब तो रेगिस्तान में भी बारिश आ रही है, वो देखिए किस तरह से मानसून बदला है। तो वहाँ पर उन्होंने जो मतलब मिट्टी और पत्थर का जितना खूबसूरती से उपयोग किया है, वहाँ गर्मी में वो ठंडक रहती थी और सर्दियों में वो गर्म रहते थे। जी जी। उस समय आपके पास कूलर और एसी और ये तो नहीं थे। तो उन्होंने प्राकृतिक रूप से इस तरह का शिल्प बनाया कि राजाओं के जो महल हैं उनके रहने के लिए वो प्राकृतिक रूप से ही उनको ठीक तरह से रख सकें। पानी जो आ रहा है ना, तो उसमें भी किस तरह से ठंडा रहेगा पानी, कैसे गर्म रहेगा। तो मुझे कई बार लगता है उस समय बड़े बड़े कोर्स नहीं थे आर्किटेक्चर के, है ना, बड़े बड़े इंजीनियर्स आज की तरह से नहीं थे। कितने विशाल किले उन्होंने बनाए, कैसे उन पहाड़ियों के ऊपर वो सारा सामान लेकर के आए होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ का शिल्प जो है बेहतरीन है। पानी की बात जब चली है तो बावड़ियाँ हमें एक बहुत साइंटिफिकली डिजाइन लगती हैं कि किस तरह से, मतलब कोई मशीन कट नहीं है, कोई उतने उन्नत किस्म के उपकरण नहीं थे, लेकिन आप चांद बावड़ी देख लें, आप टोंक में चले जाएं, कहीं भी किसी भी आभानेरी देखिए आप, तो उसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, किस तरह से भी वही भाव है कि जल संरक्षण। देखिए आज हमारी सबसे बड़ी चिंता क्या है, भूगर्भ में जो जल है वो खत्म हो रहा है, जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा है, और आने वाले दौर में कहीं ना कहीं जल की संकट स्थिति हो सकती है। जल बचाने के लिए कितने अभियान चल रहे हैं,
कई मीडिया हाउस बाकायदा अमृत जलम और पता नहीं कितने तरह के वो अभियान चला रहे हैं पानी को बचाने के लिए। तो आज हम चिंता कर रहे हैं, इस चिंता को तो हमारे उस दौर में हमारा जो बौद्धिक वर्ग था, राजा महाराजा थे, उनके जो भी सलाहकार थे, उन लोगों ने बहुत पहले इसको समझा था। तो इस तरह की बावड़ियों के माध्यम से और तौर तरीकों से जो प्राकृतिक जल है उसको संरक्षित करने का उन्होंने प्रयास किया। तो वही मैं जो कह रहा हूँ, देखिए उस समय कोई मतलब हमारा ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत होगा उस दौर में भी, कि वो जो ट्रेडिशनल पढ़ाई करके व्यक्ति आ रहा है उसने किस तरह से अपने उन महलों में, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने रियासत में इन पानी को संरक्षित करने के लिए प्रयास किया। बिल्कुल, और जैसे हम जाते हैं किले में हम देखते हैं कि पहले एसी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वो इस तरह से नहर निकालते थे या कुछ फुहारा निकालते थे कि शीतलता प्रदान, हवा के साथ महलों में फाउंटेन्स इसीलिए लगाए थे कि गर्मी में राहत मिल सके। तो कहीं ना कहीं कितना सीखने को मिलता है। वृक्षारोपण, पौधारोपण भी किया और ये भी किया, सब तरफ हरियाली और पानी भी। सर, आपने किलों के बारे में बताया तो उनकी एक भव्यता के साथ में एक और जो भाव मन में आता है वो होता है शौर्य का, एक वीरता का, कि किस तरह से उन्होंने वो जंग लड़ी है, वो लड़ाइयां लड़ी है, फिर भी अपने स्वाभिमान को संरक्षित रखा है। तो शौर्य भी एक रस है राजस्थान का, एक रंग है। आज भी हमारी सेना में राजपूत रेजिमेंट ले लें, क्षेत्र विशेष झुंझुनू शेखावट के इलाके से बहुत लोग सेना में जाते हैं, राजस्थान के शौर्य पर बात करें। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि राणा प्रताप, अकबर से लड़ाई हुई, कभी हार नहीं मानी, जंगलों की खाक छान ली होगी, लेकिन पराजय, इतना स्वाभिमान उनके। राणा सांगा, बाबर से युद्ध हुआ, कितने घाव हो गए उनके ऊपर। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी से पहले युद्ध में हरा दिया, दूसरे युद्ध में हार गए। अब ये तो हार जीत तो युद्ध में होगी होगी किसी न किसी की, लेकिन देखिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया, अपनी जान पर खेल गए, लेकिन अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन लोगों ने रानीपत, उसको देखिए आप पन्नाधाय को, जी जी, अपने बेटे का बलिदान कर देना अपने सोसाइटी, अपनी पराकाष्ठा, प्रदेश को बचाने के लिए। पद्मिनी, जौहर, चित्तौड़ के किले की बात कीजिए, कितना विशाल किला है और किस तरह से उन्होंने देश की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए बलिदान दिया, बलिदान दिया। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आप गिनते चले जाइए कि किस तरह से, कितनी तरह के साहित्य में इनका, चाहे आप चारण साहित्य की बात करें, लोक साहित्य की बात करें, राजस्थानी साहित्य की बात करें, जैन साहित्य की बात करें, संत साहित्य की बात करें, इतना विपुल मात्रा में साहित्य है जो सारी इन परंपराओं का यशोगान कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपने महिलाओं की बात की तो कहीं ना कहीं जो वुमन एम्पावरमेंट है जिसके बारे में आज इतनी बात हो रही, तब से हम वो देखते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए हमारी ये बीच का जो 100-150-200 साल का समय था, वहाँ कई कारणों से ये सब चीज़ें हुई हैं, जहाँ महिलाओं को घूंघट के लिए मजबूर होना पड़ा या इतनी सारी विकृतियां आ गई। बाकी हमारी जो परंपरा है, बल्कि मैं तो चूंकि मीडिया शिक्षा से जुड़ा रहा, आज़ादी के दौर में कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अखबार निकाले, जी जी, और उनके साथ जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके साथ उन्होंने काम किया है, और बल्कि जो क्रांतिकारी थे आखिर उनकी माताओं ने भी तो उनको मोटिवेट किया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला स्वयं रण क्षेत्र में आके लड़े, घर में उस तरह का माहौल बनाना अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको। वो कहानी भी तो थी ना, वो एक जो वो राजा लड़ने के लिए जाता है और जब वो अपनी पत्नी के प्रेम में वशीभूत था तो उसकी पत्नी ने सिर काट के दे दिया कि ताकि उसको याद नहीं आए, देश के लिए मर बेटा, है ना, एक उस तरह का भी मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो ऐसी हमारे यहाँ पर कथाएं, और कथाएं क्या, ये कोई किंवदंतियां नहीं है, ये सब यथार्थ कहानी है। हाँ, चुंडावत वाली, वही कह रहा हूँ। देखिए इस तरह की हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, तो राजस्थान तो राजस्थान है साहब, राजाओं का स्थान जिसे कहते हैं हम जी, और व्यापार में भी हम लोग पीछे नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, मैं नाम लेकर के यू नो बात छोटी नहीं करूँगा, ग्लोबल लेवल पर है जो राजस्थान से ही किसी का छूट गया तो दूसरे फिर नाराज होंगे। लेकिन मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, इंटरनेशनल मैगजीन, और शालू उसमें ये जिक्र था, कई मारवाड़ी कम्युनिटी के बिजनेस हाउसेज का इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, बिजनेस प्रिंसिपल्स में हम इतनी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एनुअल प्लानिंग लोग करते हैं, तिमाही की प्लानिंग करते हैं, महीने की प्लानिंग करते हैं, हम रोज की प्लानिंग करते हैं कि टुमारो बिगिंस टुडे, यानी कि शाम को आज हम एवेल्यूएट करेंगे कि क्या प्लान किया था, क्या हो गया, क्या रह गया और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और कल फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो एग्जीक्यूशन का जो भाव है वो हमारे बिजनेस कम्युनिटी में जो राजस्थान से, एक और महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बिजनेस तो किया ही, साम्राज्य अपना फैलाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उनके जो सोशली रिलेवेंट, सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक गतिविधियों में भी बहुत रुचि ली है। उन्होंने मंदिर बनवाए, उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में काम किया, उन्होंने पब्लिक वेलफेयर की बहुत सारी स्कीम्स चलाई है। तो जो उन्होंने धन अर्जित किया है उसका पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत उसका उपयोग किया था। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने लिए नहीं, गांधी जी का जो सिद्धांत था ना कि हम तो ट्रस्टी हैं, तो ट्रस्टी समझ करके आप जनहित के लिए यदि काम करेंगे
तो उस धन की एक तरह से उपा देता है। तो उस दृष्टि से वो बिजनेस हाउसेस, उन्होंने इवन मीडिया में बहुत बड़ा साम्राज्य है उनका, कितने सारे चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके माध्यम से भी वो सूचना शिक्षा का काम किसी न किसी रूप से कर ही रहे जी। और तकनीकी की हम जब बात करेंगे, इतनी सारी लोक कला संस्कृति साहित्य की हमने बात की है, तो भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था। और कोटा में जो थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जो कि राजस्थान में, और शायद मेरी जहाँ तक जानकारी वो देश का पहला न्यूक्लियर प्लांट है। सोलर के क्षेत्र में हम बात करें तो अभी हम जोधपुर जैसलमेर के जोन में हम तमाम जिस तेजी से सोलर फार्मिंग की हम सोलर काम कर रहे हैं, विंड एनर्जी है, तो हर तरीके से हमारे जो प्राकृतिक रूप से भी हम सक्षम होते चले जा रहे हैं। सरकार बहुत काम कर रही है, नई नई योजनाएं लेकर के आई हैं, और अब तो आईटी, जब तकनीक की आप बात करें तो आईटी के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में इतनी रिसर्च वगैरह हो रही है, और सरकार भी उस दृष्टि से प्रयास करेगी तकनीकी दृष्टि से, और ई गवर्नेंस में किस तरह से हम आईटी का उपयोग कर सकते हैं, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। बाड़मेर में जो तेल मिला है जी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको समृद्धि के लिए प्रदेश की और देश की अंततः नेचुरल रिसोर्सेज में हम ऑलरेडी काफ़ी रिच हैं ही। अब आगे बढ़ते हैं आपकी अपनी यात्रा पर। आपने बिल्कुल स्क्रैच से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में डिपार्टमेंट की शुरुआत की, कितनी क्या मुश्किलें आई होंगी, और मैं तो आपका इस बात के लिए कायल हूँ कि आपने जो यू नो टेक्स्ट और सिलेबस का जो निर्माण किया कि एक अंधेरे में या जंगल में आप यात्रा शुरू करें जब सड़क नहीं हो, और वहाँ सड़क बनाना, भरपूर समय आप विस्तार से बताएं। ऐसा है, आपने तो जिसे कहता ना कि एक बहुत ही भावुक क्षण एक तरह से मेरे जीवन में ले आए, क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब विश्वविद्यालय ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि आपको जर्नलिज्म का कोर्स शुरू करना है, और उन्होंने पीजी कॉमर्स बिल्डिंग राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कमरा दिया मुझे, और जब उस कमरे में मैं गया तो कुछ नहीं था, खाली कमरा था, दीवारें थी, ना टेबल थी ना चेयर थी। आप सोचिए कि जब कुछ भी नहीं है और वहाँ से आप अकेला हूँ, मैं कोई स्टाफ नहीं, कोई नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं। फिर मैंने विश्वविद्यालय से कहा कि एक विज्ञापन दे दीजिए एडमिशन के लिए, कि विज्ञापन के लिए पैसे नहीं है, आप चाहें तो उधार ले लें। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो पहले सबसे पहले टेबल चेयर एक पास वाले डिपार्टमेंट से उधार ली, और मेरा एक जो मित्र मेरा क्लास फेलो था जो यूनिवर्सिटी में ही नॉन टीचिंग स्टाफ में काम कर रहा था, उसको मैंने कहा मुझे सहयोग करना है, ये कोर्स चलाना है, और अपने कुछ मित्रों के सहयोग से अखबार में न्यूज़ छपाई। बस वो दिन था जब मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया। फिर धीरे धीरे रिसोर्सेज बढ़ते चले गए, और डिपार्टमेंट के जब मैं रिटायर हुआ तो एक टीवी स्टूडियो मैंने बनवा लिया था, करीब 8,000 किताबें लाइब्रेरी में मैं इकट्ठी कर चुका था, अपने आप में इतना समृद्ध पुस्तकालय, और मुझे मालूम है कि मैं कितने वर्ल्ड बुक फेयर में गया, जयपुर के, दिल्ली के, जब भी दिल्ली जाता था कुछ विशिष्ट पब्लिशर्स थे उनके यहाँ जाते ही जाता था किताबें ढूंढने के लिए। पब्लिकेशन डिवीज़न जो भारत सरकार का प्रकाशन विभाग है वहाँ मैं जाता था, जयपुर के जितने लीडिंग पब्लिशर्स हैं उनसे था, और जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं उनके जो एजेंट्स वगैरह हैं उनसे कोऑर्डिनेट करता था, और मीडिया पर जो भी किताबें आ रही है। तो ये मुझे लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने एक समृद्ध रिसर्च रेफरेंस लाइब्रेरी अपने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश की। उसके बाद मुझे उस दौर में लगा, ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे 80s में जब मैंने मास्टर्स शुरू किया कोर्स 2000 के आसपास, मुझे लगा सारा लिटरेचर अंग्रेजी में है, तो मैंने हिंदी में एक प्रकाशन योजना तैयार की, करीब 250 ऑथर मेरे साथ जुड़ते हैं और 11 किताबें मैंने प्रकाशित की, बाद में उस सीरीज़ को राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने भी प्रकाशित किया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को जो लिटरेचर था मीडिया से संबंधित, एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। फिर एक बार मैं गया था कोलंबो 94 में, वहाँ एक बात आई कि साहब जर्नलिज्म में मीडिया में जर्नल्स नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं जब वापस इंडिया जाऊँगा तो मैं एक जर्नल शुरू करूँगा, और फिर मैंने वो RNIS रजिस्ट्रेशन कराया और 97 में कम्युनिकेशन टुडे नाम से मैंने एक अपना जर्नल शुरू किया। जो मेरे मित्र थे उनसे मैंने कहा यार मैं सब मुझे सपोर्ट करो 200-250 रुपये सब्सक्रिप्शन लेकर के, साल दो साल लिया, उसके बाद सब मैंने छोड़ दिया, अपने ही रिसोर्सेज से मैं करता रहा। आज 28 साल से वो जर्नल चल रहा है और बहुत सारे स्पेशल इशू निकाले मैंने, मीडिया शिक्षा पे निकाला, मीडिया एजुकेशन की 100 साल की हिस्ट्री, पूरे देश के डिपार्टमेंट्स जहाँ भी हैं उन सब का मैंने एक तरह से संकलन किया है, प्राइवेट और सरकारी, कोविड और मीडिया इस पर निकाला, मीडिया लिटरेसी पर निकाला। तो इस तरह तो एक तो मेरा योगदान रहा पब्लिकेशन सीरीज में, दूसरा मैंने मुझे लगा कि केवल क्लासरूम टीचिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट तो वन मैन था, सारा गेस्ट फैकल्टी थी, मीडिया प्रोफेशनल्स आते थे, मैंने वर्कशॉप्स और सेमिनार्स बहुत की, करीब 200-250 सेमिनार वर्कशॉप्स मैंने डिपार्टमेंट में की होंगी, FES के साथ काम किया, यूनिसेफ के साथ काम किया, UNFPA के साथ काम किया, ILO वर्ल्ड ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ काम किया,
IIMC, कई संस्थाओं को मैंने इसमें जोड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार का, उनके साथ हमने 3 दिन की वर्कशॉप की, देश के बहुत सारे लोग आए और हमने साइंस जर्नलिज्म पे एक सिलेबस तैयार किया ताकि यूनिवर्सिटीज़ में साइंस कम्युनिकेशन का कोर्स शुरू हो सके। 2003 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अब देश में बहुत जगह चल रहा है। यूनिसेफ के साथ हमने डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे कोर्स किया, हमने PRS को सेंसिटाइज किया, हमने मीडिया टीचर्स को सेंसिटाइज किया, हमने स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया। तो इस तरह से मैंने इस एरिया में काम किया। तीसरा मेरा था रूरल जर्नलिज्म पे, उसमें हमें राजस्थान के एक बड़े अखबार ने सहयोग किया और उतने स्टिंगर्स को भेजा। ऐसी हमने करीब 17 वर्कशॉप्स लगाई 5-5 दिन की और फील्ड में ले जाते थे उनको हम। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट एरिया में काम करने की कोशिश की और खुद भी देश भर में जाता रहा, क्योंकि आप कमरे में बैठ के क्या सीखोगे। बिल्कुल, और पत्रकारिता इतना एक फील्ड का इतना व्यापक। हाँ, तो मेरा प्रोफेशनल के साथ भी इंटरेक्शन रहा, फिर अकादमिक आयोजनों में बाहर बहुत गया मैं, देश के लगभग अधिकांश डिपार्टमेंट में जाता रहा, चाहे मैं सेमिनार में गया, चाहे PhD वाइवा लेने गया, चाहे मैं एक्सपर्ट के रूप में गया, UGC में गया मैं, वहाँ जो अंडर ग्रेजुएट का कोर्सेज है वो हमने तैयार किया, NEC में मैं जा रहा हूँ आजकल, ये जो इनका रहता है इंस्पेक्शन। हाँ, इंस्पेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जितने अकादमिक फील्ड हो सकते हैं उन सब में मैंने कोशिश की। कई यूनिवर्सिटीज़ की बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के हम मेंबर रहे, उनको सिलेबस फ्रेमिंग में हेल्प की हमने, तो लगातार कुछ न कुछ करते रहे। और अब तो मैंने YouTube चैनल बना करके उस पर भी मैं सोच रहा हूँ कि मीडिया संबंधी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम एक तरह से टीचिंग करें। तो जो नई टर्मिनोलॉजी है ना कि इको चैम्बर क्या होता है, फिल्टर बबल क्या होता है, इन पर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विद्यार्थियों को सेंसिटाइज किया जाए। कुछ कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आपकी बातें मतलब मुझे इतना ज्यादा मुझे खुद प्रेरित कर रही है। पुनीत, हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, तो सर की बातें से निकल कर आ रहा है कि हम सभी 24 घंटों कैसे उपयोग करते हैं, सर से सीखने वाली बात। वंडरफुल, यानी कि केवल शासकीय सेवा में रहे तब तक ही केवल काम नहीं किया, वो आपकी आत्मा है, आपके रक्त में है और वो लगातार। हो गया रिटायरमेंट, अभी भी उतना ही सक्रिय हूँ, अभी भी मित्र लोग बुलाते हैं जगह जगह, अभी भी जा रहा हूँ मैं, है ना। और इस पूरे शो में अब तक जो ऊर्जा आपसे हमें मिल रही है ना, वो अद्भुत है, कमाल है। और कितना कुछ नॉलेज है। मेरे मन में आया कि सर को आपकी जो जर्नी जो बता रहे हैं उसमें एक बार रोक के पूछो कि सर ये ऊर्जा का स्रोत क्या है, और जो आज जो बच्चे हैं जो देखते हैं, जो छोटी छोटी बात पे निराश हो जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि विजन कहाँ से आता है। ऊर्जा की बात से मुझे याद आया, शालू हमें रुकना पड़ेगा, सर से ये बात फिर से लेंगे, मुझे थोड़ा सा लग रहा है भूख लग रही है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा की बात करते हैं, जिनकी शुरुआत जब हम करते हैं तो ब्रेकफास्ट से होती है, यानी कि नाश्ते से होती है। ब्रेकफास्ट अंग्रेजी का टर्म है, हालांकि मैंने किसी एक समझदार व्यक्ति से पूछा कि ब्रेकफास्ट टर्म क्यों हुआ, कि रात भर आपने उपवास किया और उस उपवास को आपने सुबह तोड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज़ ब्रेकफास्ट। तो एक रेसिपी हम देखते हैं, उसमें चीज़ पनीर सैंडविच का की इस बार हम पौष्टिकता की बात के साथ में स्वास्थ्य को जोड़ते हुए हम भोजन और स्वास्थ्य के कॉम्बिनेशन जरूरी है। पनीर नितांत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, बढ़ती उम्र के साथ में हमें प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है बजाय कार्बोहाइड्रेट्स के, तो इट्स ए रिच सोर्स। वजन कम करना चाहते हैं तो उसमें भी पनीर सहायक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, ओमेगा 3 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन D है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स इसके अंदर उपलब्ध है। और ख़ास तौर से हड्डियों की बात हो, दांतों की बात हो, तो पनीर ही एकमात्र उपाय है, खास तौर से वो लोग जो वेजिटेरियन है। लेकिन पनीर के साथ जुड़ी हुई है कि आप घर में अगर आप दूध फाड़ के बनाएंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इसी पे मैं कहना चाह रही थी कि हम बाहर बाजार में अलग अलग टाइप के अब तो प्रोटीन और पनीर भी मिलने लग गए हैं, सोय पनीर और इस तरह के कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो घर में जो दूध को फाड़ करके जो हमारी पुराने तरीके से बनता था उसमें जो पौष्टिकता होती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व होते हैं, उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तो घर में जो पनीर बनता है और उससे जो हम रेसिपीज बनाते हैं उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो प्रिजर्व रहती है, शुद्धता हमेशा होनी चाहिए। अब बातचीत रोकते हैं और एक झलक देखते हैं किस तरह से एक पनीर सैंडविच, सॉरी सैंडविच का, उसमें और भी कुछ इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो हमारी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है पनीर टिक्का सैंडविच, और ये बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, 100 ग्राम बारीक कटा हुआ पनीर, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच बंधा हुआ दही, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच तंदूरी मसाला, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया हरी मिर्च, 2 ब्रेड स्लाइस, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा मक्खन। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका मैरिनेशन। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ये हमारा हंकड़, जो कि कपड़े में बांध करके 1-1.5 घंटे इसको लटकाया हुआ है।
इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक, इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। यह है थोड़ा तंदूरी मसाला, थोड़ा पिसा गरम मसाला, यह है थोड़ा सा अदरक लहसुन। ये अगर आप लोग लहसुन नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मिलाएंगे पनीर, बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पनीर और शिमला मिर्च या प्याज के टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जब हम उसका सैंडविच बनाएं तो वो बड़े टुकड़े होकर के वो बाहर ना आए, तो दो ब्रेड के पीसेस में वो आराम से लग जाए। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए हम 1 से 1.5 घंटा इसको रेस्ट के लिए देंगे। अब इसको 1 से 1.5 घंटा हम इसको छोड़ेंगे, फिर हम इसका सैंडविच बनाएंगे। तो 1 घंटा हो गया है हमारा और ये हमारे इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको एक बार मिक्स और कर दिया है। अब हम इसको ब्रेड में लगा करके और इसको रेडी करेंगे। तब तक हमारा ये भी ऑन कर लेते हैं। अब ये देखिए, क्योंकि इसके टुकड़े छोटे हैं तो बहुत इजीली ये ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो जाएंगे। अगर टुकड़े इसके बड़े रखेंगे तो फिर जब दूसरी ब्रेड लगाएंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा। आराम से धीरे धीरे इसको इसकी फिलिंग को इवनली स्प्रेड करेंगे। देखिए पूरे बराबर से इसकी फैल गई है। थोड़ा सा मैं मक्खन इस पे लगा देती हूँ। और बस ये भी हमारा झटपट तैयार हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ये सैंडविच। हाँ, ये भी हमारा बिल्कुल होने वाला है। इसकी प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये देखें क्रिस्पी है, काटने में पता लग रहा है। इसको आप चाहें तो और छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड भी बड़ी है। इसको मैं 4 पीसेस में सर्व करूंगी। देखिए कितना कितना अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो देखिए आज कुछ नया पनीर टिक्का सैंडविच आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिए घर में।
तो पुनीत, हमने देखा कितनी स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी हमने देखी, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी, ये जो मैम बता रही थी कितने व्यवस्थित और साफ सफाई के साथ में, क्लीनलीनेस के साथ में कितने अच्छे से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रही थी, हर चीज़ आप साफ सुथरी थी, तो कहीं ना कहीं स्वच्छता जो है हर मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बिल्कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। हाँ, क्योंकि अगर हम कितना भी डिलिशियस कुछ बना लें लेकिन उसमें अगर सफाई ना हो, अगर वो पुराना हो, तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो स्वच्छता जो है हर आयाम उसका जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा आसपास हो, और कभी भी जीवन में भी कुछ होता है बोलते सफाई करो, डीक्लटर करो, तो कितने ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई है उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को बार बार सोचना कि स्वच्छता कितनी आवश्यक है। और दिन की शुरुआत इसीलिए हम ब्रश करते हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल जो सिस्टम है उसकी क्लीनिंग से करते हैं, अपनी बेडशीट को क्लीन करते हैं, घर की झाड़ू बुहारी करते हैं और स्नान करके जब हम पूजा करते हैं तो मन में भी जो पुराना कुछ बस मन में स्वच्छता फील होती है। जी जी, वो महसूस होती है और दिन उल्लास से भरा हुआ होता है। लेकिन उसके बाद की जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं हम वहाँ चूक कर जाते हैं। जब भी घूमने जाते हैं, जो कि हम सुबह से पूरे प्रोग्राम में घूमने फिरने की बातें भी हमने की है, तो जो रैपर्स है जो उसको हम फेंक देते हैं, जब हम विदेशों में जाते हैं तो लोगों ने आदत में उसको डाला हुआ है कि एक डस्टबिन या कैरी बैग अपने साथ रखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बार आपने क्लिपिंग्स में देखा है कि रैपर कुछ होता है तो वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। तो ये ना, एक छोटे बच्चे के साथ हम आदतों से शुरू कर सकते हैं कि हमने जब चॉकलेट खाई तो जो भी कुछ खाया उसे बाहर फेंक दिया है, चलती गाड़ी से केले का छिलका बाहर फेंक दिया, तो मतलब कोई दूसरा आकर के, बाहर वाला आकर के गंदगी नहीं कर रहा है, हम खुद ही उस गंदगी में शरीक हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो इस काम के लिए जिम्मेदार लोग हैं, कि आप लोग सफाई समय पर नहीं करते। और लेकिन ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और जो स्वच्छता ही सेवा भाव चल रहा है, उसका हम एक आसपास जो मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री जी इतनी बार इस बात को कह चुके हैं कि अब छोटे बच्चे बड़ों को बोलते हैं कि डोंट थ्रो रैपर हेयर, और मैंने ऐसे कई बार देखा भी है सड़क पर जहाँ बच्चे अपने बड़ों को या घर वालों को बोल रहे हो कि गाड़ी से बाहर आप रैपर ना फेंकें, एक गार्बेज बैग लें अपनी गाड़ी में, उसे रखें और जो भी कचरा हो उसे आप उसमें डालें, उसमें एकत्रित करें और घर जाके उसे प्रॉपरली डिस्पोज करें। जी, तो अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर से हमारी पहले बात हो रही थी, मैं एक बात और जोड़ूंगा। जी जी, कि स्वच्छता की ये बात तो ठीक है, कचरा नहीं फेंके, लेकिन मुझे लगता है इससे आगे की सोचनी पड़ेगी। प्लास्टिक सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण यह है कि हम अभी तक प्लास्टिक को बैन नहीं कर पाए, इतना कचरा हो रहा है और आप समुद्र में और वहाँ डाल रहे हैं, आगे जाके क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप शालू ने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे, मुझे अपनी बेटी कहती है कि आप ये जो बोतल में पानी है ये क्यों पीते हो, आप सब्जी थैली में क्यों लेकर, थैला क्यों नहीं लेकर के जाते हो। तो मुझे लगता है वही कहूंगा, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम संस्कारों में हमें फिर जीवन शैली में तो आना ही चाहिए ये, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा एरिया है जहाँ हमें सोचना पड़ेगा। और मैं तो प्रधानमंत्री जी की इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सोच को विकसित किया है। आप देखिए अमृत महोत्सव आज़ादी का, और वहाँ हम मिनिमम बात कर रहे हैं, मतलब चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति है उसको झाड़ू उठाना उन्होंने सिखा दिया, अब उसमें झिझक नहीं होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अहमदाबाद गया था, गुजरात विद्यापीठ जिसकी स्थापना गांधी जी ने की थी, जब मैं सुबह भ्रमण पर निकला, वॉक पर निकला, वहाँ हर व्यक्ति घर के बाहर, चाहे वो प्रोफेसर है चाहे विद्यार्थी है, झाड़ू लगा रहे हैं। आप बताइए, वो जो मुझे लगता है आज़ादी के आंदोलन के समय जिस तरह का एक भाव होगा वो अभी भी है। तो मुझे लगता है कि उसे जीवन शैली में, जीवन के संस्कारों में तो जोड़ना, कहीं ना कहीं सर हम देख सकते हैं कि ना बैक टू द रूट जिसे कहते हैं, चाहे हम बात करें साफ सफाई की, चाहे हम बात करें पेड़ लगाने की। और ये प्लास्टिक के पहले तो था ही नहीं, पहले जो घर के कपड़े होते थे उनसे थैले बना लिए जाते थे, और वापस हम अपनी जड़ों को और मजबूत करने की दिशा में आगे चल रहे हैं। जर्नलिज्म का आपको क्या लगता है, जो मीडिया संचार है उसकी क्या भूमिका हो सकती है कि हम दोबारा इस बात को रियलाइज करें कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को प्रिजर्व करना, संस्कृति को, अपनी जड़ों को मजबूत करना। सर, ये मीडिया का जो सबसे बड़ा रोल यही है कि किस तरह से हम मीडिया के जो डिफरेंट फॉर्मेट हैं, आलेखों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, इस तरह की चर्चाओं के माध्यम से हम एक इस तरह का माहौल बनाएं, तभी हो पाएगा। लेकिन ये भी क्या है, प्राइम टाइम में कार्यक्रम आने चाहिए जब लोगों की अधिकतम रीच हो, अखबारों के भी, जो ऐसा नहीं कि लोकल पेज पर जरा सी खबर छप गई, तो जो इस प्रकार के स्वच्छता सेनानी हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, उनको सम्मानित करना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह का माहौल बनेगा। जैसे अब राजस्थान में प्रयास किया जाने लगा है, अभी कल परसों में पढ़ रहा था, वो अधिकारी जब दौरे पे गए थे तो किसी व्यक्ति ने कचरा फेंका, तुरंत उसको पकड़ा कि खुद कचरा उठा के डालो और फाइन लगाया गया, है ना। जब इस तरह का प्रयास होगा, इंदौर शहर में देखिए आप, अब कितना देश में टॉप आ रहा है वो, इसका मतलब कहीं लोगों में जुनून पैदा हुआ है।
अभी जैसा मुझे लगता है जितना मैंने देखा है कि हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है कि जो गीला कचरा है उसको एक तरफ डालें, रिसाइकिलिंग की जो है उसको अलग डालें, अभी सब ला करके अपन एक गाड़ी में डाल देते हैं। तो जब तक उस तरह का अलग अलग सेग्रीगेशन नहीं, जैसे मैं बेंगलोर रहा कुछ समय तक, वहां मैंने देखा कि वहां जो इकट्ठा करने आते हैं बाकायदा दो थैली में अलग अलग, यदि एक में डाल दिया आपने तो नहीं लेंगे, वो अलग अलग करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे, और मीडिया का तो योगदान तो निश्चित रूप से है, बल्कि मैं तो कहता हूँ मीडिया में केवल आप जो मेनस्ट्रीम मीडिया इसी पे क्यों निर्भर है जी? आजकल तो हर व्यक्ति एक तरह से मीडिया चैनल है, बिल्कुल कंटेंट जनरेटर है, हर व्यक्ति कम्युनिकेटर है। तो क्यों नहीं हम इन सारी चीजों के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके माध्यम से हम स्वयं इनिशिएटिव लेकर के लोगों को मोटिवेट करें। जैसा आपने कहा कि नई पीढ़ी तो अब सेंसिटाइज हो रही है, हम हमारी भूमिका क्या है उसको कहीं तलाशें, तो मीडिया की तो बहुत बड़ी भूमिका है उसमें जी। पिछले दशक में देखा है कि पत्रकारिता के प्रतिमान जो हैं वो कहीं डगमगाने से लगे हैं, तो एक आदर्श प्रतिमान क्या होने चाहिए? और फिर मैं दूरदर्शन की बात भी करना चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि ये बहस हमेशा रही है। आप अभी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बहुत पीछे ले जाता हूं। आपने पुलित्जर का नाम सुना होगा जी, जिसके नाम से अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड पुरस्कार दिया जाता है जी, जी। उसने येलो जर्नलिज्म की शुरुआत की थी, वो और हर्स्ट जी। तो ये तो बात मैं आपसे कर रहा हूं 1900 से पहले की, उस समय भी प्रतिमान ध्वस्त हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता पूरी बिक चुकी है या सारे, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, जिसके हाथ में जो व्यक्ति बैठे हैं। तो कुछ तो समय का प्रभाव है ना, चेकबुक जर्नलिज्म है, पेड न्यूज है, ये सारे खतरे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कानून भी बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह का आ रहा है, सरकार कोशिश कर रही है ना। अब AI आ गया है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाला समय किस तरह का होगा। आपकी आवाज़ दूसरे की आवाज़ से मैच करके वो डीप फेक जिस तरह की वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो ये चुनौतियां हैं। लेकिन फिर भी हर मीडिया हाउस की, हर न्यूज़पेपर की, जो डिफरेंट इस तरह के जो हमारे और कार्य मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब की अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं। सरकार की तरफ से उनके अपने नियम कानून हैं, सरकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उन पर कहीं हम चला पाएं, कर पाएं। सोशल मीडिया पे कोई एडिटोरियल नियंत्रण नहीं है, अखबारों में और दूसरे जो वह हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक एडिटोरियल डेस्क है जो खबरों को देखती है, जांच करती है, उसके बाद छपता है। फेक न्यूज़ सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मॉल इन्फॉर्मेशन, ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि व्यक्ति दिग्भ्रमित है। तो हमें बचना होगा, खटाखट खटाखट फॉरवर्ड नहीं करें। कोई सूचना मिलती है तो पहले विश्वसनीय स्रोतों से उसे आप वेरीफाई कर लीजिए, तब उनको दीजिए, है ना। अब तो आपके पास गूगल ने ही ऐसे आपको औजार दे दिए हैं, टूल्स दे दिए हैं कि आप स्वयं चेक कर सकते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसमें। तो ये हर दौर की अपनी अपनी चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आम आदमी अपने अधिकारों के लिए, अपनी पीड़ा के लिए, अपनी व्यथा के लिए मीडिया को ही एकमात्र सहारा मानता है। वो संपादक जिससे वो कभी नहीं मिला, उस अनाम और अदेखे संपादक के नाम पत्र लिखेगा कि मेरी ये पीड़ा है, उसकी गली में सफाई नहीं हुई है, खड्डे पड़े हुए हैं, तो वो उसी अखबार के माध्यम से कोशिश करेगा कि नीति निर्माताओं तक अपनी बात पहुंचा सके। लेकिन तकनीक ने आपको सुविधा दे दी कि आप आज ट्वीट के माध्यम से, मतलब जागरूकता, आप सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। आपके पास पोर्टल है, बिल्कुल, माई गवर्नमेंट। जब विकसित भारत की बात की जा रही है तो प्रधानमंत्री ने स्वयं आह्वान किया, जब उन्होंने देश के विभिन्न विश्वविद्यालय कुलपति से बात की, वॉइस फॉर यूथ, उसमें बाकायदा उन्होंने युवाओं से कहा कि आप आइए आगे, आप कैसा भारत चाहते हैं, विकसित भारत का लाभार्थी कौन है। 25 साल बाद हम मनाएंगे विकसित भारत की, देश की स्वाधीनता की 100वीं जयंती। माई पोर्टल पे जाके माई आइडियाज जो उसमें है, वहां आप आइडियाज दीजिए। तो सीधा पार्टिसिपेशन है, अब कोई आपके बीच में कहीं कोई व्यक्ति नहीं है, बीच में आप सीधे संवाद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, चीफ मिनिस्टर से, किससे नहीं बात कर सकते हैं। तकनीक की आपको सुविधा दी, लेकिन जागरूक आपको होना पड़ेगा। आप चूंकि लंबे समय से दूरदर्शन से भी जुड़े रहे हैं, जर्नलिज्म की तो आपने फाउंडर हैं ही, सत्यम शिवम सुंदर की प्रासंगिकता आज, कल तो थी ही, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा, उस पर आपके क्या विचार? सत्यम शिवम सुंदरम तो ये हमारी तो बिल्कुल एक तरह से देश की विरासत है, ये कोई आज का कोटेशन नहीं है, बहुत पुराना है। और जैसा मैंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी, ये दोनों माध्यम पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं। जब आपने बात छेड़ी है तो मैं एक संक्षेप में आपको इसका एक पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा, हो सकता है बहुत सारे दर्शकों को जानकारी हो और बहुत को नहीं भी हो। ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की जो अवधारणा है, इसको हम गांधी जी से जोड़ते हैं जी। गांधी जी का देश की स्वाधीनता में अद्भुत योगदान रहा, हम इससे सब परिचित हैं। एक सामान्य से व्यक्ति ने, क्या था उनके पास, धोती पहन के निकल गए वो, है ना, चूंकि देश में लोगों के पास कपड़े नहीं थे पहनने को, उन्होंने केवल धोती स्वीकार की और बड़े बड़े सम्मेलनों में और वॉयसराय तक से वो मिलने ऐसे ही जाते थे, ऐसे महान
व्यक्ति। जो देश आज़ाद हो गया उस समय सांप्रदायिक विद्वेष, हम सब जानते हैं किस तरह का तनाव था। गांधी जी दिल्ली में थे और कुरुक्षेत्र के शरणार्थियों को एड्रेस करना था, कैसे बात की जाए, संभव नहीं था कि वो जा पाते। आकाशवाणी में, जहाँ अभी आकाशवाणी भवन है दिल्ली में, वहीं पर गांधी जी को आमंत्रित किया गया, एक स्टूडियो बनाया गया वहाँ पर, और वहाँ से उन्होंने शरणार्थियों को संबोधित किया। देखिए 47 के बाद गांधी जी जैसा महान व्यक्तित्व पहली बार रेडियो स्टेशन पहुँचता है, आकाशवाणी में पहुँचते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, आज भी जब ये नए नए विद्यार्थी दूरदर्शन और आकाशवाणी में आते हैं, कहीं थ्रिल महसूस होती है उनको। आज भी बच्चे जब आते थे ना हमारे, मेरे सेवा काल में तो जाते थे आकाशवाणी, तो बड़े खुश होते थे, है ना, वहाँ फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो थ्रिल। आप 47 की कल्पना कीजिए गांधी जी को कितना रोमांच महसूस हुआ। अगर उनके मुंह से क्या निकला, मैं इसमें ईश्वर का वास देखता हूँ और मेरे हाथ में जादू की शक्ति आ गई है। आज भी आकाशवाणी भवन जाएंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, पीतल की पट्टिका लगी हुई है और वहाँ लिखा है कि गांधी जी ने यहाँ से अपना पहला प्रसारण किया था। अनफॉर्चुनेटली फिर उनकी डेथ हो गई थी, हत्या हो गई थी उनकी जनवरी 1948 में। बाद में भारत सरकार ने गांधी जी की इस उपस्थिति को, पहले प्रसारण को ध्यान में रखते हुए इसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे घोषित किया। इसलिए ये दोनों माध्यम, क्योंकि आज जिस तरह से मनोरंजन में बाजारवाद आ गया, डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म, हम कार्यक्रम शुरू होने के पहले बात कर रहे थे OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, तो जिस तरह से आ गए हैं, ना भाषा का संस्कार है, कंटेंट किस तरह का हो गया है, एक अलग तरह की चिंता हो गई है। पेरेंटिंग लॉक की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे दूरदर्शन ने जिस तरह से एक भाषा को स्वस्थ मनोरंजन और समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उपयोगी जिस तरह से सामग्री और क्वालिटी कार्यक्रम दिया है, मुझे लगता है ये अद्भुत योगदान इन दोनों माध्यमों का है जो लंबे समय तक याद रखा जाए। धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भनावत साहब, आप स्टूडियो में आए और सुबह को आपने इतना खुशनुमा और यादगार बना दिया, ढेरों सारी इन्फॉर्मेशन, स्मृतियाँ, किससे कहानियां, बहुत कुछ निकल के आया। मुझे लगता है आपके साथ कम से कम एक सीरीज सीखने को बहुत मिलेगा और जानने को बहुत मिलेगा। जी तो शालू, अब समय हो चला है दर्शकों से विदा लें, उससे पहले जो इस कार्यक्रम में एक जो खास बात सीखने को मिली, खुद से जुड़ने का प्रयास कीजिए, अपनी कला से, लिटरेचर से, संस्कृति से, अपनी भाषा से। ऐसा मत सोचिए कि दूसरा व्यक्ति, अगर कोई दूसरी भाषा बोलता है तो वो सुपीरियर हो गया। भाषा एक संवेद, कम्युनिकेट करने का माध्यम मात्र है, विचारों की गुणवत्ता का द्योतक नहीं है। जब आप खुद पर फक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए और अपने आसपास के लिए कुछ बड़ा और नया कर पाते हैं। सुबह के लिए इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद देते हुए दर्शकों से लेते बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सजन तुम्हारी मिलाने को आओ, वीर वीर मलमा आए, असवी चरण मीन घर ए मिलने देते ही शशतरी घायल कर गजी नैनी बड़ा हथियार नैनी कटारी हो नैनी कटारी मते मरो मरा आली जा I'm
आगे फूस में दार की दार के जी अब दूर के
हा